नमस्कार दोस्तों, न्यूज वन इंडिया पर हमारी खास पेशकश बोलते तारे आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। राशिफल एक ऐसा जरिया है जिसमें आपके लाइफ में क्या होने वाला है ये पता चल सकता है, और क्या कुछ मुसीबत आने वाली है और क्या कुछ उपाय है ये भी आप जान सकते हैं। दरअसल राशिफल के माध्यम से विभिन्न कालखंडों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। तो चलिए जानते हैं आपका आज के तारे क्या बोलते हैं, और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ और जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। सेहत बढ़िया रहेगी, कोई पुराना मित्र आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है और यदि आप उसकी आर्थिक मदद करते हैं तो आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं। करीबी दोस्त और साझेदार नाराज होकर आपकी जिंदगी मुश्किल बना सकते हैं। यात्रा के चलते रूमानी संबंध का बढ़ावा मिलेगा। कामकाज के मोर्चे पर आपको सबसे स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। खाली समय को पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर आपके पसंदीदा काम करने चाहिए। और राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं, जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तांबे या सोने के पात्र में जल पिए, इससे पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। मेष के बाद बात करते हैं वृष राशि की। अपने विचारों को सकारात्मक रखें क्योंकि आपको डर नाम के दानव का सामना करना पड़ सकता है, नहीं तो आप निष्क्रिय होकर इसका शिकार हो सकते हैं। जिन लोगों ने कहीं निवेश किया है, आज के दिन आपको आर्थिक हानि होने की संभावना है। आज आपको दूसरों की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि बच्चों को ज्यादा छूट देना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। नए प्रेम संबंधों के बनने की संभावना ठोस है, लेकिन व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी को उजागर करने से बचें। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। सफेद संगमरमरी पत्थर को सफेद चंदन लगाकर जल प्रभावित करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपका गुस्सा राय का पहाड़ बना सकता है जो आपके परिवार को नाराज कर सकता है। वो लोग खुशकिस्मत हैं जो आपके गुस्से पर काबू रख सकते हैं। इससे पहले कि आपका गुस्सा आपको खत्म कर दे, आप उसे खत्म कर दे। करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आज आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। जीवन साथी जिंदगी में बदलाव लाने में मदद करेगा। खुद को एक जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा इंसान बनाएं, जो जिंदगी की राह अपनी मेहनत और कामकाज से बनता है। साथ ही इस राह में आने वाले गड्ढों और दिक्कतों से दिल छोटा ना करें। आपके प्रिय की ईमानदारी पर शक ना करें। चलिए उपाय जान लेते हैं। शुद्ध शहद का रोजाना प्रयोग करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के बाद बात करते हैं कर्क राशि की। आज आपके पास प्रचुर ऊर्जा होगी। आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और आज इससे चलते आपको कुछ वित्तीय लाभ मिल सकता है। ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर बहस करने से बचें जो आपके और प्रियजनों के बीच गतिरोध पैदा कर सकता है। आप आज रूहानी प्यार की मदहोशी महसूस कर सकते हैं। इसे महसूस करने के लिए कुछ वक्त बचा कर रखें। भले ही छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़े, लेकिन कुल मिलाकर यह दिन कई उपलब्धियां दे सकता है। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के सुबह उठते के साथ ही पांव छूने से पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। बिना वजह अपनी आलोचना करते रहना आत्मविश्वास को कम कर सकता है। जिन लोगों ने कहीं निवेश किया था, आज के दिन आपको आर्थिक हानि होने की संभावना है। अपने नजदीकी लोग निजी जीवन में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। फूल देखकर अपने प्यार का इजहार करें। अतीत में किया गया काम आज परिणाम और पुरस्कार लेकर आएगा। खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करने चाहिए। चलिए अब उपाय बता देती हूँ आपको, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। घर पर अपने इष्ट देव को पीला पुष्प अर्पित करने से पारिवारिक जीवन खुशहाली में रहेगा। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। आज आपकी सेहत पूरी तरह से अच्छी रहेगी। आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएगा। किसी धार्मिक स्थल पर या संबंधी के यहाँ जाने की संभावना है। अपने प्रिय के साथ आज अच्छी तरह बर्ताव करें। अगर आप अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखें तो कई उम्दा मौके आपको मिल सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए उपाय क्या है ये जान लेते हैं। घर में मछलियों का एक्वेरियम रखें जिसमें एक काली और 10 गोल्डन मछलियां हो, इससे प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो। और अब बात करते हैं तुला राशि की। ख्याली पुलाव पकाने में वक्त जाया ना करें। सार्थक कामों में लगाने के लिए
अपनी ऊर्जा बचाकर रखें। जल्दबाजी में निवेश ना करें। अगर आप सभी मुमकिन कोनों से परखेंगे नहीं तो नुकसान हो सकता है। अनचाहे मेहमानों से शाम को आपका घर भरा रह सकता है। आज आप महसूस करेंगे कि प्यार दुनिया के हर मर्ज की दवा है। आपके काम की गुणवत्ता देखकर आपके वरिष्ठ आपसे प्रभावित होंगे। कार्य क्षेत्र के किसी काम में खराबी की वजह से आज आप परेशान रह सकते हैं और इस बारे में सोचकर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर सकते हैं। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। जौ के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा दिन है। जिस तरह मिर्च खाने को लजीज बनाती है, उसी तरह थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी है और तभी सुख की असली कीमत पता चलती है। आपके द्वारा धन को बचाने के प्रयास आज सफल हो सकते हैं, हालांकि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। स्थिति जल्द ही सुधरेगी। पारिवारिक तनावों को अपनी एकाग्रता भंग न करने दे। बुरा दौर ज्यादा सिखाता है। उदासी के भवन में खुद को खोकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी में सबक को जानने और सीखने की कोशिश की जाए। चलिए उपाय जान लेते हैं। अब आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सूर्य की पूजा करें, जो आपके लिए बेहद जरूरी है और इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। और अब उपाय के बाद बात करते हैं धनु राशि की। धार्मिक भावनाओं के चलते आप किसी तीर्थस्थल की यात्रा करेंगे और किसी संत की कुछ दैव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी में नए स्रोत मिलेंगे। आज आपके पास अपनी धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे। आज के दिन घटनाएं अच्छी तो होंगी लेकिन तनाव भी देगी, जिसके चलते आप थकान और दुविधा महसूस करेंगे। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। गेहूं बाजरा गुड़ मिलाकर लाल गाय को खिलाने से पारिवारिक जीवन में खुशियों की बौछार होगी। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं। धैर्य बनाए रखें क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएगी। चंद्र की स्थिति की वजह से आज आपका धन बेवजह की चीजों पर खर्च हो सकता है। अगर आपको धन संचय करके रखना है तो अपने जीवन साथी या माता पिता को इस बारे में बात करें। किसी से अचानक हुई रूमानी मुलाकात आपका दिन बना सकती है। नौकरी बदलना मददगार साबित होगी। आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़कर किसी नए क्षेत्र में जा सकते हैं। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। धन लाभ के लिए उगते हुए सूर्य को देखते हुए 11 बार ओम का उच्चारण करें। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। घरेलू परेशानियां आपको तनाव दे सकती है। व्यापार को मजबूती देने के लिए आज आप कोई अहम कदम उठा सकते हैं, जिसके लिए आपका कोई करीबी आपकी आर्थिक मदद कर सकता है। जब निवेश करने का सवाल आपके सामने हो तो स्वतंत्र बने और अपने फैसले खुद ले। दूसरों को खुशियां देकर और पुरानी गलतियों को भुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे। सहकर्मियों और वरिष्ठों के पूरे सहयोग से चलते दफ्तर में भी काम रफ्तार से पकड़ लेगा। इस राशि के छात्र छात्राओं को आज के दिन पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कत आ सकती है। और अब उपाय जान लेते हैं। चमेली का तेल, सिंदूर, चांदी के वर्क का चोला हनुमान जी को चढ़ाने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुंभ के बाद अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। लाभ लेने के लिए बड़ों को अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। बिन बुलाए कोई भी मेहमान आज घर आ सकता है, लेकिन इस मेहमान की किस्मत की वजह से आज आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। विवाद, मतभेद और दूसरों को आप में कमियां निकालने की आदत को नजरअंदाज करें। अपने प्यार के रिश्ते को एक जादुई एहसास छा रहा है, इसकी खूबसूरती महसूस करें। जो लोग विदेश व्यापार से जुड़े हैं उन्हें आज मनमाफिक फल मिलने की पूरी उम्मीद है। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। ज्ञानी, विद्वान और न्यायकर्ता लोगों का सम्मान करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। बोते तारे में हमारी कोशिश होती है कि सारी राशिफल के बारे में विस्तार से बताया जाए और आपको होने वाले समस्या के साथ उपाय की भी जानकारी दी जाए। फिलहाल बोते तारे में इतना ही। नमस्कार।